हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्मा बेकरी एंड कैफे। आई एम शिविन प्रताप। मैं आपको आज मेडिटेरियन स्ट्रीट फूड बनाना सिखाऊंगा, फलाफल। फलाफल जो है ये बहुत ही कॉमन फूड है मिडिल ईस्ट में। इसमें वो बहुत ही सिंपल है आपको बनाना, आप आराम से घर में बैठ के इसको बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए ये मैं आपको बताऊँगा। हमें चाहिए सोक्ड चिकपी, इसको और गार्लिक, जिंजर, चिली फ्लेक्स, ऑनियन और पार्सले, स्पिनच, लेमन जूस एंड थोड़ा सा कोरिएंडर। अगर आप चाहें तो स्वाद के लिए मिंट भी डाल सकते हैं। मिंसर में मिंस करेंगे, उससे क्या होगा कि जो ग्रेन है वो ऐसे रहेंगे। अगर आप मिक्सी में करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वो पेस्ट ना बन जाए। अगर पेस्ट बन जाएंगे तो वो हुमस बन जाएगा, मगर तो ये चीज़ ध्यान रखे, थोड़ा काम करना है। मैंने इन सब को एक मिंसर से निकाल लिया है। मिंसर के बाद इसकी थोड़ी कंडीशन जो है वो ऐसी दिखती है दिखने में। जब ये दिखेगा इसमें आपको बाइंडिंग एजेंट चाहिए होगा, क्योंकि आपको इसकी पैटी बनानी पड़ेगी छोटी छोटी। इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा आटा भी मिलाया हुआ है ताकि इसकी बाइंडिंग सही से आ जाए। तो इसकी बाइंडिंग लाने के लिए सिंपल है कि जब आप उसे दबाएंगे तो आपको लगना चाहिए कि वो बाइंड हो रहा है। इसमें मेरी पैटी एक बन गई है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सिसमी सीड लगा सकते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और जब बनाएं तो ध्यान रखें कि इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से गोल हो जाएं, वरना वो ब्रेक हो जाएंगी ऑयल में पड़ते ही। इसको आप कैसे बना सकते हैं, जैसे आप चाहें। मैं ऐसे बनाना प्रेफर करता हूँ ताकि वो वैसा कहीं जले नहीं, वरना बहुत लोग उसको सीधे निकालें और आप दबा देंगे तो भी वो पेटी बन जाती है। मैं आपको उसका एक और दिखाता हूँ सैंपल, अगर आप चाहें तो उसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये भी सही है, मगर इसमें क्या होता है जो कभी कभी एजेस होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, तो जिस वजह से हम लोग इसे ऐसे बनाना पसंद करते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, सब गोल एक साथ बनाएं तो देखने में अच्छा लगता है, वरना तो घर में खाना है तो आप कैसे बना सकते हैं उसको। प्रोफेशनल फील आएगा आप उसे अच्छे से गोल बनाएंगे। ये मेरी पेटी बन गई है। मैंने अपना ऑयल भी गर्म करना शुरू कर दिया है। ऑयल जो है वो 160 डिग्री के आसपास मेरा गर्म होगा। उसमें हम लोग को 2 से 3 मिनट में हमारी वो क्रिस्पी हो जाएंगी। अब मैंने ऑयल गर्म करना शुरू कर दिया है। ऑयल को 160 डिग्री आने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे। उसी बीच में आपको हुमस बनाना सिखाता हूँ। हुमस बहुत ही सिंपल डिप है जो कि आप फलाफल के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए, बॉयल चिकपी चाहिए, रोस्टेड जीरा पाउडर चाहिए, ताहिना पेस्ट चाहिए, गार्लिक चाहिए और सॉल्ट पेपर चाहिए। लेमन जूस आपको अपनी उसके साथ डालना पड़ेगा। थोड़ा आपको आइस चाहिए। जब आप उसे ग्राइंड करेंगे, मिक्सी में मिक्स करेंगे तो आपको, जब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो आपको पानी की जगह आप आइस डालिए, तो वो उसका स्मूथनेस बहुत अच्छी बनेगी। ये फ्राई होना शुरू हो गया है। इसका टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 160 से 170 के बीच में होना चाहिए। बाकी बहुत ही अच्छी डिश है ये, इसमें कुछ नहीं है। ग्रीन्स हैं, आपको पार्सली मिला है, कोरिएंडर मिला है, स्पिनच है, बॉयल चिकपी है, तो फुल्ली न्यूट्रिशियस डिश है। और इसमें एक बात और है, जब आप वो बनाएंगे हुमस, तो हुमस जब आप बॉयल करते हैं तो जो पानी बचता है उससे आप उसको फेंकें नहीं, उससे आप जूस बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रहता है। उससे आपका आराम से सूप बन सकते हैं फ्लेवर्ड। इसको हमने ब्राउन किया हुआ है, मेरे हिसाब से अच्छी क्रिस्पी है। आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके फ्लेवर के प्रोफाइल के ऊपर है। ये पीटा पॉकेट है। पीटा पॉकेट को आप चाहें तो थोड़ा सा ग्रिल कर सकते हैं, थोड़ा सा ओवन दिखा सकते हैं, इसमें चाहें तो आप कलर भी ला सकते हैं। मगर मैंने ये क्रिस्पी किया हुआ है तो मेरे प्रोफाइल के हिसाब से मुझे ऐसा खाना बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट रहती है, अच्छा सा रहता है। इसको 1/4 काट लेंगे। थोड़ा अरेगुला डाल सकते हैं। अरेगुला हल्का बिटरनेस होती है, इसलिए वो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है लोगों को। ये लीजिए, ये हमारा रेडी हो गया। इन सब के अंदर फलाफल लगाएंगे। ये हमारी बेकरी में आपको पीटा ब्रेड भी मिलेगा अल्मा बेकरी में, और अल्मा बेकरी में आपको लवाश भी मिलते हैं। लवाश हमारे यहाँ 2 फ्लेवर के आते हैं। ये पेपरिका फ्लेवर है, थोड़ा सा स्पाइसी होगा ये। इसको भी आप हुमस के साथ बहुत अच्छे से खा सकते हैं। मैं आपको ये भी एक बना के दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल।
या इट्स रेडी टू ईट एंड रेडी टू सर्व, ओके। और आप चाहें तो घर में बनाने की जरूरत नहीं है, हमें ऑर्डर करें।